Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. अब हम पिछले क्लासेस में यूक्लिड लेमा के बारे में पढ़ चुके हैं. वो क्या होता है? a बराबर b की प्लस r, जहां r हमेशा b से छोटा होगा. अब उन पर डिपेंडेंट या उसके मदद से मुख्तलिफ सवालों को हम हल करना सीखेंगे. जैसे अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर इम्तिहान में आता है. देखाइए कि कोई भी मुस्बत युक्त अदद, मुस्बत मतलब पॉजिटिव, युक्त मतलब एवन नंबर, कोई भी अगर युक्त अदद सही होगा उसको हम टू क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और हर मुस्बत ताक अदद को टू क्यू प्लस वन के शक्ल में लिखा जा सकता है. टू क्यू प्लस वन, और टू क्यू का मतलब क्या होगा? टू क्यू मतलब टू क्यू प्लस जीरो. यानी अगर कोई भी अदद है उसको हम टू से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो युक्त होगा तो पूरा पूरा दो से डिवाइड हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? टू क्यू प्लस जीरो. पूरा पूरा डिवाइड होने पर क्या होता है? रिमाइंडर वो हमेशा जीरो आता है. और कोई भी अदद जो ताक अदद होगा, अगर कोई भी अदद अगर ए है, मान लीजिए ए कोई मस्बत अदद है और बी बराबर है टू, कोई भी मस्बत अदद को हम टू से डिवाइड करेंगे. सपोज कीजिए सेवन है, कुछ भी आप दे सकते हैं, सेवन फाइव थ्री, टू से छोटा तो वन, तो टू से छोटा है तो अपने से छोटे को डिवाइड भी किया जाता है. टू से बड़ा कौन है? थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड सो ऑन. जहाँ भी जितने भी ताक अदद हैं उनको हमेशा टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है. जैसे सेवन को डिवाइड करेंगे, टू थ्री जा सिक्स तो वन हुआ, तो क्या हुआ? सेवन बराबर है टू इंटू थ्री प्लस वन, ये किस शक्ल में हुआ? टू क्यू प्लस वन. और इसको डिवाइड करेंगे, सिक्स को डिवाइड करेंगे टू से, टू थ्री जा सिक्स जीरो, तो सिक्स बराबर है टू इंटू थ्री, ये किस शक्ल में हुआ? टू क्यू फोर में हुआ. तो किसी कोई भी ये क्या है? युक्त अदद है. और सेवन क्या है? ताक अदद है. तो आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव एवन नंबर को हम जो है टू क्यू शक्ल में लिखेंगे. अब इस तरफ आप अलग अलग एग्जांपल ले लीजिए. हमेशा किसी भी युक्त अदद को दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो जीरो आता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है, और ताक अदद को डिवाइड करने पर दो से हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? वन आएगा. अब आपने एक्सरसाइज बुक से मुख्तलिफ सवाल, सिक्स से डिवाइड करने पर क्या होगा, फोर से डिवाइड करने पर क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, आप सवाल बनाएं, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, उसको हल किया जाएगा. अब हम इसी चैप्टर का एक दूसरा थ्योरम है, हिसाब का बुनियादी उसूल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो क्या है? उसके बाद ये चैप्टर वन पॉइंट आपका रियल नंबर्स वो ओवर हो जाएगा, आप इस पर सवाल बनाएंगे. वो क्या है कि किसी भी मुस्बत अदद को, किसी भी मुस्बत अदद को मुफरद अज्जाए ज़र्बी के शक्ल में लिखा जा सकता है. ये आपका बेसिक हिसाब का बुनियादी मसला है. किसी भी अदद को, कोई भी मुरक्कब अदद को मुफरद अदाद के अज्जाए ज़र्बी की शक्ल में लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कोई सा भी नंबर है, 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू फाइव. और ये अज्जाए ज़र्बी जो होते हैं वो मुनफरद होते हैं. अब किसी भी दूसरे नंबर का अज्जाए ज़र्बी 3 इंटू फाइव नहीं होगा. ये हिसाब का एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है कि किसी भी अदद को, तभी नेचुरल नंबर को, उसका मुफरद अज्जाए ज़र्बी की शक्ल में हम लिख सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को. और ये अज्जाए ज़र्बी क्या होता है? वो यूनिक होता है, वो अकेला होता है, किसी दूसरे नंबर का अज्जाए ज़र्बी ये नहीं हो सकता है. बड़े से बड़ा नंबर कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो 112 है, अब इसका अज्जाए ज़र्बी निकालिए, अज्जाए ज़र्बी का मुफरद अज्जाए ज़र्बी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हर अदद क्या हो, फिर मुनकसिम ना होता, उसे क्या कहते हैं? मुफरद अज्जाए ज़र्बी या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. इसको दूसरे कीजिए, इसका अज्जाए ज़र्बी निकालेंगे, दो टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा, फिर टू से जा रहा है, टू टू ज़ा फोर, टू एट ज़ा सिक्सटीन, फिर टू से
टू फोर सा एट, फिर टू से होगा, फिर क्या हुआ 112 बराबर है 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ये हुआ 112 का मफरत अज्जाए जरूरी, यानी हर नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है, वो जिसका फिर फैक्टर नहीं होता है, फिर अज्जाए जरूरी नहीं किया जा सकता है, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये हिसाब इसका एक बुनियादी उसूल है, क्या उसको एग्जाम में ऐसे भी आता है कि हिसाब का बुनियादी मसले को लिखें, या हिसाब के बुनियादी मसले से किसी नंबर का वो दिखाएं कि हर किसी भी नंबर को उसका मफरत अज्जाए जरूरी करके दिखाएं, या उसकी मदद से एससीएफ निकालना, अज्जाए जरूरी के जरिए एससीएफ निकालना भी हम पहले भी सीख चुके हैं, अब फिर सीखेंगे ये किसी भी नंबर को। और ये सबसे बड़ी बात है याद रखना, फिर किसी ये यूनिक होता है, किसी दूसरे नंबर का ये अज्जाए जरूरी फिर नहीं होगा, 112 के अलावा किसी दूसरे नंबर का अज्जाए जरूरी ये नहीं होगा। अब हम सीखेंगे क्या अज्जाए जरूरी के जरिए एससीएफ निकालना, जैसे क्वेश्चन 6-8 का अज्जाए जरूरी के जरिए अज्जाए जरूरी के जरिए एससीएफ मालूम करें, एससीएफ मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, 6 का अज्जाए जरूरी 2 × 3 और 8 का अज्जाए जरूरी 2 × 2 × 2, कौन सा अज्जाए जरूरी, मुफरद अज्जाए जरूरी, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा आठ का अज्जाए जरूरी आप कर देगा 2 × 4, तो ये मुफरद नहीं होगा, क्योंकि 4 का फिर अज्जाए जरूरी फिर फैक्टर हो सकता था। अब वो जुज या वो फैक्टर जो दोनों में है वो आपका एससीएफ होगा, एससीएफ बराबर है 2। इसके अलावा भी अगर और कोई भी अगर कॉमन हो तो उसको भी हम लिखेंगे, आप उनका जो हासिल जरब होगा वो एससीएफ होगा। इस तरह से हमने, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि दिए गए नंबर का 2 नंबर 3 नंबर, आप एक मिसाल और ले लें जहाँ पर क्वेश्चन और किताब में भी आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, 16, 28 और 42 का एससीएफ मालूम करें, एससीएफ मालूम करें। तो 16 का क्या हुआ 2 × 2 × 16 = 2 × 2 × 2 × 2 और 28 = 2 × 2 × 2 × 4 × 4 = 28, 42 का 2 × 3 × 7। अब कौन कौन जो कौन कौन से फैक्टर इसमें कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब जो सभी में 2 2 2, ऐसे क्या होगा 2 हो गया, फिर और कोई कॉमन है 2 यहां 2 यहां, लेकिन फिर इसमें 2 नहीं है, 7 यहां 7 यहां, और लेकिन फिर इसमें 7 नहीं है। तीनों में जो कॉमन होगा जो तो वो सिर्फ वही है जो सब लेंगे, इससे एफ से बराबर है। ये आपका ये दोनों सवाल अखलीदी सी थ्योरम के हेल्प से एफ निकालना और अज्जाए जरूरी के जरिए से हेल्प में मदद से कि वो एफ निकालना, ये दोनों सवाल बहुत अहमियत वाले हैं और अक्सर इम्तहान में ये जरूर आते हैं, ऐसे एफ निकालना। आपने एक्सरसाइज बुक से आप निकालिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए कमेंट बॉक्स में।